नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिकराट और स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका में अगले महीने होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ट्रंप एक बार फिर से पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में रैली करने पहुंच गए। दरअसल दोस्तों, ये वही जगह है जहां रिसेंट अभी कुछ महीने पहले ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब गोली कान को छूकर निकल गई थी। अब दोबारा ट्रंप उसी शहर में बुलेट प्रूफ स्किन के पीछे खड़े होकर स्पीच देते नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत वहीं से की जहां 13 जुलाई को हमले के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। ट्रंप ने अपनी स्पीच में उस समय को भी याद किया और कहा कि आज से ठीक 12 हफ्ते पहले इसी जमीन पर एक हत्यारे ने मुझे मारने की कोशिश की थी। उस दिन 15 सेकंड के लिए समय रुक गया था, लेकिन वो विलेन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। As I was saying, exactly 12 weeks ago this evening on this very ground, a cold-blooded assassin aimed to silence me and to silence the greatest movement, MAGA, in the history of our country. MAGA. We love MAGA. For 16 harrowing seconds during the gunfire, time stopped as this vicious monster unleashed pure evil from his sniper's perch, not so far away. But by the hand of Providence and the grace of God, that villain did not succeed in his goal. दोस्तों, इस रैली में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि इस रैली में ट्रंप के साथ इलोन मस्क भी नजर आए, जो ट्रंप के पीछे उछल कूद कर रहे हैं। दोस्तों, इस रैली में लगभग 20,000 से भी ज्यादा ट्रंप सपोर्टर मौजूद थे और जब इस रैली में इलोन मस्क की स्पीच देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए ट्रंप की जीत जरूरी है। अगर ट्रंप इलेक्शन नहीं जीता तो ये देश का आखिरी चुनाव होगा। देखो दोस्तों, इलोन मस्क का ट्रंप को खुला सपोर्ट है और अमेरिका में एक लार्ज स्केल पर ऐसी पॉपुलेशन है जो इलोन मस्क को अपना आइडियल मानती है, उनको प्रॉपर फॉलो करती है। और अब तो इलोन मस्क का जो बाइडन के लिए ये तक कहना है कि हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो सही से सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता, दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो गोली लगने के बाद भी हवा में हाथ उठाकर हर हाल में लड़ने का मैसेज देता है। दोस्तों, अगर मान लो कि ऐसा सीनेरियो भारतीय इलेक्शन में होता कि कोई बिजनेसमैन किसी पार्टी को खुला सपोर्ट कर रहा है और यहाँ तक कि उसकी रैली को भी अटेंड कर रहा है और लोगों को संबोधित कर रहा है, तो उस पार्टी के लिए लोग क्या कमेंट करते हैं? इस पार्टी की सरकार आ गई तो बस सरकार को बिजनेसमैन चलाएंगे, सरकार तो बस इनकी पपिट बनकर रह जाएगी। ऐसे तो इलोन मस्क भी एक बिजनेसमैन है, वो तो वहाँ खुला सपोर्ट कर रहा है। खैर दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है, तो अब हमारे टॉपिक पर हम वापस आते हैं। तो दोस्तों, जब से ट्रंप ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया उसके बाद से अब तक ट्रंप को दो बार असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, एक बार पेंसिल्वेनिया में और एक बार फ्लोरिडा में। अब उस समय न्यूज़ ये भी सामने आई थी कि ये हमला करंट गवर्नमेंट जो बाइडन की सरकार ने करवाया है, लेकिन दोस्तों जो बाइडन ने क्लियर कर दिया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हो सकता है ट्रंप ने हमला खुद से अपने ऊपर करवा लिया हो ताकि लोगों से उसको सिंपैथी मिल सके और इलेक्शन में उसे इसका फायदा हो। लेकिन दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यह हमला ईरान ने करवाया है क्योंकि उनको डर था कि अगर ट्रंप पावर में आ गया तो वो इसराइल का खुला सपोर्ट करेगा और वही चीज अब दुनिया को दिख भी रही है। अभी कल ही एक स्पीच के दौरान ट्रंप ने कहा कि इसराइल को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अटैक कर देना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा ये इसराइल को बाद में सोचना चाहिए, सबसे पहले न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर देना चाहिए। दोस्तों, ट्रंप अभी पावर में आया नहीं है, उससे पहले उसके ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। सोचो, अगर ट्रंप पावर में आ गया तो ईरान को एक बहुत बुरा समय फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका के इस बार प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, और अगर आपको ऐसी अपडेटेड वीडियो देखनी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए ऐसी अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा।